अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद खलीम और आप देख रहे हैं खलीम टीवी। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे आप अपने स्ट्रीट लाइट को जो है ऑटोमेटेड ऑन ऑफ स्विच बना सकते हैं। तो दोस्तों, हमारा स्ट्रीट लाइट कुछ इस तरह ऑन ऑफ होगा। जैसे सुबह होगी, इसके ऊपर रोशनी लगेगा तो लाइट ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा, और जैसे अंधेरा होगा तो लाइट ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। तो ये हमारा सेंसर जो है कुछ इस तरह काम करेगा। तो वीडियो को गौर से देखें कि हम इस वीडियो में क्या क्या चीज़ यूज़ करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इसको बनाने के लिए हमें सिंपल तीन चीज़ चाहिए, जिसमें पहले नंबर पर है, तो जिसमें पहले नंबर पर ये ऐसी है BT-136, और इसके बाद जो है हमें एक LDR चाहिए, और इसके बाद जो है हमें एक रेसिस्टेंट चाहिए 220 के। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ें जो है आपको बाज़ार से इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान से आसानी मिल जाती है। टोटल चीज़ें जो है अगर आप एक एक लोगे तो आपको 15 से 20 रुपए के मिल जाएंगे। तो इसको हम कैसे कनेक्ट करेंगे? इसको कनेक्ट करने के लिए हमको सबसे पहले जो है BT-136 IC के साथ जो है हमने एक थोड़ा छोटा सा हेड सिंक लगाना है, ताकि ये हीट अप ना हो। तो इस आईसी के बारे में आप लोगों को थोड़ा बहुत बता देता हूँ। जैसे इसका ये राइट वाला पॉइंट है तो इसको गेट कहते हैं, और ये जो लेफ्ट वाला पॉइंट है ये जो है टर्मिनल वन है, और सेंटर वाला टर्मिनल टू है, और ये गेट है। तो इसको जो है हम कैसे कनेक्ट करेंगे, वीडियो को और से देखते रहिए। हमने एक 1K का रजिस्टर लेना है, और इसका एक सर जो है हमने गेट के साथ कनेक्ट करना है, और एक टर्मिनल टू के साथ कनेक्ट करना है। और इसके बाद हमारे पास ये जो LDR है, इसका एक तार जो है हमने टर्मिनल वन के साथ और गेट के साथ कनेक्ट करना है। तो इसको हम कुछ इस तरह कनेक्ट करेंगे, इसका एक साइड गेट वाले पॉइंट के साथ और दूसरा टर्मिनल वन के साथ हम कनेक्ट करेंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने देख लिया, ये हमारा डायग्राम कंप्लीट हो गया, और अब जो है हमने इसके साथ होल्डर कैसे कनेक्ट करना है, तो वीडियो को गौर से देख लीजिए। तो ये मेरे पास एक होल्डर है और ये एक शू है, इसका एक तार मैंने ऑलरेडी आपस में कनेक्ट किया हुआ है, और ये जो दूसरा तार है ये बटन वाला तार है। तो इसको हम जो है इसमें कनेक्ट करेंगे, ताकि ये हमारा स्विच ऑन ऑफ करे। दिन के वक्त जो है ये हमारा स्विच ऑफ करेगा, और रात के वक्त जो है हमारा स्विच ऑटोमेटिक ऑन करेगा। तो अब जो है मैं इसको इसके साथ कनेक्ट करने वाला हूँ। तो ये जो होल्डर वाला तार है, इसको हम दो जगहों के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। इसको हम टर्मिनल टू के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं, और इसको हम इस बॉडी के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसको मैं टर्मिनल टू के साथ ऑलरेडी कनेक्ट कर लेता हूँ। तो ये होल्डर वाला तार जो है, इसको मैंने सेंटर वाले के साथ कनेक्ट कर लिया, और अब ये जो शू वाला तार है, इसको हम पॉइंट नंबर वन के साथ कनेक्ट, टर्मिनल नंबर वन के साथ कनेक्ट करेंगे। तो दोस्तों, ये हमारा सर्किट तैयार हो चुका है। इसको हमने हाल ही ड्राइंग के तौर बनाया हुए हैं। अगर आप इसको बनाना चाहते हो तो आप इसको फुल सेफ्टी के साथ बना सकते हो। इन सब पॉइंट को जो है आप अच्छी तरह से डांप ले और बंद कर सकते हैं। तो अब जो है फाइनली हम इसको टेस्ट करने वाले हैं। तो ये मेरे पास 100 वाट का एक बल्ब है जो 220 वोल्ट पर चलता है, इसको मैं इसमें लगाऊँगा। तो ये मेरा बिजली वाला सॉकेट है, इसको मैंने इसमें लगा लिया, और जैसे कि आप देख रहे हैं ये ऑन हो गया। तो अब जो है हमने LDR को टेस्ट करना है कि ये इस लाइट को स्विच ऑफ करता है या नहीं। तो ये मेरे पास एक छोटा सा लाइट है, इसको मैं बताऊँ रोशनी इस LDR के ऊपर लगाऊंगा तो इसका पता चल जाएगा कि क्या ये हमारे लाइट को ऑफ करता है या नहीं। तो जैसे मैंने आपके सामने है, जैसे मैंने इसको LDR के सामने रोशनी कर दी तो ये लाइट हमारा बंद हो गया। मतलब दिन के टाइम जो है हमारा लाइट इसी तरह बंद होगा। जब दिन में रोशनी ज़्यादा हो जाएगी, सुबह के धूप निकलेगा, तो ये लाइट जो है ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। जैसे मैं इसको इससे हटाता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली फिर ऑन हो जाता है। मतलब जैसे अंधेरा होगा तो आपका लाइट ऑटोमेटिक ऑन होगा। जैसे मैं इसको इसके साथ फिर नज़दीक करता हूँ तो ये जो है लाइट बंद हो जाता है, दूर करता हूँ तो लाइट फिर ऑन हो जाता है।
तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल होगा, वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टेड वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।